नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। ईसीटी पूरा नाम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, formally it is known as electroshock therapy। पूर्व में इसे electroshock therapy के नाम से भी जाना जाता था। discovered by Hugo Carletti and Lucio Bini। इसकी खोज Hugo Carletti and Lucio Bini के द्वारा की गई थी। generally आपको Carletti and Bini नाम से इनके डिस्कवरर का नाम मिलेगा मोस्टली बुक्स के अंदर। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का क्या इस्तेमाल है, ये कहां पर यूज की जाती है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है मेजर डिप्रेशन एंड इन्वोल्यूशनल मेलेनकोलिया। ऐसे व्यक्ति जो कि मेजर डिप्रेशन कंडीशन से सफरिंग है या फिर इन्वोल्यूशनल मेलेनकोलिया कंडीशन से सफरिंग है, उनके ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव है। अदर कंडीशंस की बात करें तो मेनिया, सिजोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में भी ईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा मोस्ट कॉमन यूज है मेजर डिप्रेशन और इन्वोल्यूशनल मेलेनकोलिया, इनके ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से ईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के क्लासिफिकेशन की। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे जो कि इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के हिसाब से होगा। ईसीटी के दौरान जब पेशेंट को इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स की लोकेशन के हिसाब से पहला क्लासिफिकेशन होगा। और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ईसीटी के दौरान यूज की जाने वाली ड्रग्स के हिसाब से। आइए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के हिसाब से होने वाले क्लासिफिकेशन की। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के हिसाब से हम बाइलेटरल ईसीटी और यूनिलैटरल ईसीटी दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। बाइलेटरल ईसीटी में इलेक्ट्रोड्स आर प्लेट्स ऑन ईदर साइड ऑफ हेड। बाइलेटरल ईसीटी जब पेशेंट को दी जाती है तो हेड के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। ट्रीटमेंट अफेक्ट्स एंटायर ब्रेन और इस प्रोसेस में पर्सन का पूरा ब्रेन प्रभावित होता है। अब बात करते हैं यूनिलैटरल ईसीटी की। इसमें क्या होता है, वन इलेक्ट्रोड ऑन टॉप ऑफ हेड एंड अदर ऑन राइट टेम्पल। यूनिलैटरल जैसे कि नाम में ही दिखा है, एक साइड, यूनिलैटरल वन साइड। एक इलेक्ट्रोड पेशेंट के हेड के सुपीरियर पार्ट में लगाया जाएगा जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड पर्सन के राइट टेम्पोरल रीजन में लगाया जाएगा। ट्रीटमेंट अफेक्ट्स वन साइड ऑफ ब्रेन। यूनिलैटरल ईसीटी में पर्सन के पेशेंट के दिमाग का एक हिस्सा ही प्रभावित होता है। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईसीटी के दौरान यूज किए जाने वाले ड्रग्स या सब्सटेंस के हिसाब से। इसे हम डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी दो प्रकार से बांट सकते हैं। एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड मसल रिलैक्सेंट बट एट्रोपिन सल्फेट एंड माइनर ट्रैंक्यूलाइजर्स आर यूज्ड। डायरेक्ट ईसीटी, डायरेक्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक ऐसा ईसीटी का टाइप है जिसमें एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट नहीं यूज किए जाते,
लेकिन एट्रोपिन सल्फेट टू ड्राई अप द बॉडी सिक्रेशंस, कहीं पेशेंट को एस्पायरेशन ना हो जाए ईसीटी के दौरान, तो उसकी बॉडी सिक्रेशंस जैसे लार है, सलाइवा जिसे बोलते हैं, उसे ड्राई अप करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट को एडमिनिस्टर करवा के ईसीटी दिया जाता है। इस प्रकार की ईसीटी को हम डायरेक्ट ईसीटी कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें एट्रोपिन सल्फेट और माइनर ट्रैक्यूलाइजर्स का इस्तेमाल करते हुए यदि ईसीटी दी जाती है तो उसे हम डायरेक्ट ईसीटी कहेंगे। कॉमनली इट इज नॉट यूज नाउ, हाल के दिनों में इस प्रकार की ईसीटी का उपयोग कम हो गया है, अब ज्यादातर मॉडिफाइड ईसीटी को इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं मॉडिफाइड ईसीटी के बारे में। मॉडिफाइड बाय ड्रग इंड्यूस्ड मस्कुलर वीकनेसेस एंड जनरल एनेस्थीसिया, इस प्रकार की ईसीटी के अंदर मस्कुलर वीकनेस कॉज करने के लिए सब्सटेंसेस और जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग करते हुए ईसीटी दी जाती है। मस्कुलर वीकनेस इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि कहीं पेशेंट को फ्रैक्चर ना हो जाए ईसीटी के दौरान। आगे हम बताएंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, पर्सन को फ्रैक्चर होते हैं, उस चीज से बचने के लिए मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है जिससे कि फ्रैक्चर ना हो, और पेशेंट की एंजाइटी को कम करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ ईसीटी इज मोस्टली यूज्ड नाउ, इस प्रकार की ईसीटी का उपयोग इन दिनों प्रचलन में है, ज्यादातर किया जाता है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ईसीटी के दौरान कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ईसीटी, एम्प्टी बाउल एंड ब्लैडर, रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट, टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड लूज क्लॉथिंग्स। जब भी किसी पर्सन को आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाया जाए, उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट यानी पेपर जिसमें ईसीटी के रिगार्डिंग सारी जानकारी हो, प्रोसीजर समझाने के बाद, इन्फॉर्म करने के बाद पेशेंट के सिग्नेचर या फिर जो भी उसके गार्जियंस हैं उनके सिग्नेचर लेना आवश्यक है। उसके बाद पेशेंट के बाउल और ब्लैडर को एम्प्टी करना आवश्यक है। ईसीटी के दौरान हो सकता है कि पर्सन यूरिनेट कर दे या फिर स्टूल पास कर दे, इस चीज से बचने के लिए बाउल और ब्लैडर को एम्प्टी रखना आवश्यक है। रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट, ईसीटी उन पेशेंट्स को कभी भी नहीं देनी चाहिए जिनके शरीर में किसी भी प्रकार का मेटेलिक इम्प्लांट है। मेटेलिक इम्प्लांट नहीं है, कोई मेटल ऑब्जेक्ट उसने शरीर पर रखा है, ले रखा है, पहन रखा है, तो उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट को वहां से रिमूव कर दें, और उसने यदि टाइट क्लॉथिंग पहन रखी है तो उसे लूज कपड़े पहनाए जाएं। इसके अलावा उसके जो हेयर्स हैं उन्हें भी अच्छा रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ करंट पास ड्यूरिंग ईसीटी इज बिटवीन 200 टू 1600 मिली एम्पियर। ईसीटी प्रोसीजर के दौरान पर्सन में 200 से 1600 मिली एम्पियर करंट पास किया जाता है, 200 से 1600 मिली एम्पियर। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ईसीटी 90 टू 150 एवरेज 110 वोल्ट करंट पास्ड फॉर 0.1 टू 1 सेकेंड एवरेज 0.6 सेकेंड्स टू प्रोड्यूस जनरलाइज्ड कन्वर्जन। ईसीटी प्रोसीजर ही
शॉक देने का प्रोसीजर है, जैसे कि प्रीवियसली हमने बताया था कि इसे शॉक थेरेपी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी कहते हैं। पर्सन की बॉडी में जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स प्रोड्यूस करने के लिए हम 90 से 150 वोल्ट, एवरेज कहें मोस्टली 110 वोल्ट का करंट 0.1 से 1 सेकंड के लिए दिया जाता है। आपने मशीन को स्विच ऑन किया और एक घंटे से पहले ही उसे बंद करना होता है। एवरेज कहें तो आधा सेकंड, 0.6 सेकंड के लिए पर्सन को 110 वोल्ट का करंट दिया जाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में जनरलाइज्ड कन्वर्जन्स प्रोड्यूस हो सके। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन पर्पस। अब हम बात करते हैं ईसीटी के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स की। मेमोरी इंपेयरमेंट टेम्परेरी, ईसीटी के बाद पेशेंट को टेम्परेरी मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ईसीटी का कंफ्यूजन, कुछ समय के लिए व्यक्ति कंफ्यूज्ड रहता है। पाल्पिटेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट मूवमेंट, मोस्टली हार्ट तेजी से धड़कता है और इरेगुलर हार्ट बीट्स आती हैं। वीकनेस महसूस होती है ईसीटी के बाद, हेडेक हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ईसीटी के दौरान हम बॉडी सिक्रेशंस को ड्राई करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, किन पेशेंट्स को या पर्सन को ईसीटी हमें कभी भी नहीं देना चाहिए। ऐसे पर्सन जिनमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, पर्सन्स विद मेटालिक इम्प्लांट इन बॉडी, उनके शरीर में किसी प्रकार का मेटालिक इम्प्लांट हो, सेरिब्रल एन्यूरिज्म के पेशेंट्स को, एन्यूरिज्म का मतलब होता है एरोटा का एबनॉर्मली डायलेट हो जाना, अगर किसी भी पर्सन के सेरेब्रम पार्ट में एरोटा का एबनॉर्मल डायलेशन है तो उसे हम सेरिब्रल एन्यूरिज्म कहेंगे। ऐसे पेशेंट्स को भी हम ईसीटी नहीं देना चाहिए। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना, और ईसीटी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट फ्रैक्चर भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है हार्ट डिजीजेस, ऐसे पर्सन जिनमें हार्ट डिजीज है उन्हें भी ईसीटी नहीं देना चाहिए। सेरेब्रल हेमरेज, यदि किसी पर्सन में सेरेब्रल एरिया में ब्लीडिंग हुई है उन पर्सन्स को भी ईसीटी नहीं देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ईसीटी के रिगार्डिंग एग्जाम में पूछे जा सकने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट एंड स्वीट में आपके सामने पोर्ट्रे किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।